ये जो साइज रेडी होगा अभी खेत से पटाई होगा, पटाई होने के बाद ये जो छोटा साइज का आलू है वो अलग पैकेट में जाएगा, जो बड़ा साइज का आलू है वो अलग पैकेट में जाएगा। आलू में तो बहुत सारा वैरायटी है, चिप्सोना है, लोकर है, डायमंड है, और भी बहुत सारा वैरायटी है। तो ये गुवाहाटी भी जाता है, वह जहाँ जैसे स्टेट में जो डिमांड है, रेट है, उस हिसाब से जिसको जहाँ रेट अच्छा लगता है वो वहाँ लोडिंग करता है। कच्चे आलू में तो ये जो अभी सीजन चल रहा है ये कच्चे आलू का है, इसमें पुखराज ही जाता है, 95% से ऊपर पुखराज का ही काम होता है। 15 दिन में ये डैमेज होगा, डैमेज हो जाएगा, तो उसका वजह है कि इसका जो शिल्लत है वो भी कच्चा है। नमस्कार, मेरा फार्म हाउस देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ, मैं कृतिका। आज हम आपको दिखाने लेकर आए हैं जो आलू की पुटाई है वो कैसे की जाती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, आइए चलते हैं। सर नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार मैडम। सर अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम जी विक्की शर्मा हुआ। इसकी शुरुआत कब की थी आपने? मैडम मेरे फादर दे टाइम तो स्टार्ट 97 तो ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਟਾਰਟ 2007 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਆਲੂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕੱਚਾ ਆਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਕਾ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਜੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ 15, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਆਲੂ ਹੋ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਚਾ ਆਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਖਰਾਜ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਪੁਖਰਾਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾ, ठीक है। जो ज्योति है वो कच्चा आलू वो उसमें कट हो जाता है, पानी थोड़ा ऊपर नीचे हो तो वो ज़्यादा कट बन जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर कच्चा आलू जो होता है वो पुखराज का ही पटाई होता है। तो ये गुवाहाटी भी जाता है, वह जहाँ जैसे स्टेट में जो डिमांड है, रेट है, उस हिसाब से जिसको जहाँ रेट अच्छा लगता है वो वहाँ लोडिंग करता है। रैक में भी लोड होता है, हम भी रैक में लोड करते हैं, ठीक है। इस साल रैक लोडिंग नहीं किया, लोकल लोकल अपना काम कर रहे, लोकल मार्केट का काम हो रहा है। तो इसमें ये जो साइज रेडी होगा अभी खेत से पटाई होगा, पटाई होने के बाद ये जो छोटा साइज का आलू है वो अलग पैकेट में जाएगा, जो बड़ा साइज का आलू है वो अलग पैकेट में जाएगा, और जो हरा निकल जाएगा, जो कट पीस निकल जाएगा वो वेस्टेज है, वो किसी भी पैकेट में नहीं जाएगा। जो ये आपकी जो जमीन है ये कितनी कितनी जमीन होगी? 6 किलो 6 एकड़ 6 एकड़ की। 1 एकड़ में कितना बेनिफिशियल होता है ये चीज़ करनी? सर कितनी जमीन होगी ये? मैडम ये 6 खेत है, तो सबके पास इतना जैसे ज़्यादा खेती नहीं होता, किसी किसान के पास जैसे 3 खेत खुद का होता है या 5 खेत खुद का होता है, वो 40 खेत का खेती करता है, तो वो क्या करता है दूसरे किसान के पास से जो विदेश में चला गया है या जो खेती नहीं करना चाहता, तो वो उससे ठेके पूरे 1 ईयर का ठेके पे रेंट पे ले लेता है। तो फिर उसका 5 खुद का हो गया, चलो बाकी अगर उसने 40 खेत का खेती करना है 5 उसका हो गया, 35 ठेके पे ले लिया। अभी फिलहाल इस ये जो किसान है इनका हमने 6 खेत का मतलब एग्रीमेंट किया है, इनके साथ 6 खेत का रेट किया है क्विंटल का। ध्यान रखा जाता है जब आप बीज लगाते हो कि उसको कितने कितने समय बाद पानी चाहिए, कितने कितने समय बाद जो दवाइयाँ डाली जाती हैं वो चाहिए? मैडम जो जो किसान है जिनको तो आलू का पूरा खेती का नॉलेज है, मैं तो किसान नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। तो किसान क्या है जो चावल का खेती होता है जिसको हम बोलते हैं कि ये झोना झोना बोल देते हैं पंजाबी में, ये जो अभी पटाई चल रहा है, ठीक है। तो उसको तो कम से कम 15 दिन बाद पानी चाहिए, ठीक है। और जो उसको एक रेतला मिट्टी होता है उसको पंजाबी में बोलते हैं टिब्बे का पहले, ठीक है। जो रेतले मिट्टी का पहले होता है खेत उसको हर 1 सप्ताह बाद पानी चाहिए आलू के लिए। तो इसका सर सीज़न होता है कोई? हाँ जी इसका सीज़न होता है, अभी ये नवंबर में ये कच्चा आलू है, ठीक है। तो जो किसान इस टाइम अपना खेत का पटाई कर देगा, अगर उसको रेट अच्छा नहीं लगा मार्केट का या उसके दिमाग में होगा कि हम स्टोर कोल्ड स्टोर में स्टॉक करना है, तो फिर वो इसका जब 75 डे का हो जाएगा तो इसका वो वेल का कटिंग कर देगा, या तो फिर वो पहले इसका साइज़ चेक करेगा। अगर उसने कोल्ड स्टोर का मन बनाया है कि मैंने कोल्ड स्टोर ही करना है, ज़्यादातर कोल्ड स्टोर ज्योति आलू का कोल्ड स्टोर होता है, या आलू में तो बहुत सारा वैरायटी है, चिप्सोना है, लोकर है, डायमंड है, और भी बहुत सारा वैरायटी है, तो वो तो कच्चे आलू में नहीं जाता। कच्चे आलू में तो ये जो अभी सीजन चल रहा है ये कच्चे आलू का है, इसमें पुखराज ही जाता है, 95% से ऊपर पुखराज का ही काम होता है।
तो जो अगर किसान ने पहले से सोचा है कि हमने स्टोर ही करना है, तो आलू के वो साइज़ को चेक करता रहता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब स्टोर का सीज़न होता है उस टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो ढेरी लगता है कि ढेरी में गोली कितना परसेंट है, तो व्यापारी यही देखता है कि गोली कितना परसेंट है, तो वो उसी हिसाब से उसका रेट मार्केट के हिसाब से, अगर गोली 25% से ज़्यादा है तो उसका रेट वो थोड़ा ज़्यादा लगा देता है, 30% गोली है तो रेट थोड़ा और ज़्यादा लगा देता है, तो इसलिए किसान अपना वो देखता रहता है कि अभी साइज़ कितना हो गया है, जब उसको हो जाता है कि ये साइज़ मैंने रेडी करना है, तो फिर वो नहीं देखता है 60 दिन का है 65 दिन का है या कितने दिन का है, वो अपना बेल का कटिंग कर देता है, वो फिर साइज़ उसी पर ब्रेक लग जाता है, जब कटिंग हो जाए तो फिर वो उधर ही ब्रेक हो जाता है साइज़। कुछ लोग मशीन के साथ इसकी जो पटाई करते हैं, कुछ आपने जैसे लेबर लगाई हुई है, तो ये लेबर में ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है या जो मशीन के साथ है उसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, मतलब किस में बेनिफिशियल है ये? मतलब मशीन के साथ ऐसे है कि ये अभी कच्चा आलू है, तो इसका जो शिलत है जो अभी वीडियो में भी देखा है आपने, जो मशीन के साथ जब इसको पंजाबी में बोलते हैं डिगर, ठीक है, उसके साथ पटाई करते हैं तो वो थोड़ा लोहे का रोड उसमें लगा होता है, तो जो इसका शिल है वो उतर जाता है, उससे आलू ख़राब हो जाता है, ठीक, शाइनिंग उसमें थोड़ा कलर या शाइनिंग उसमें थोड़ा फ़र्क आता है, और जब हाथ से पटाई होता है तो इसमें आलू को कोई चोट नहीं लगता है, मगर उसमें मशीन से रोड लगा होता है थोड़ा लोहे का, जो थोड़ा आलू को भी चोट लगता है, थोड़ा उसमें चोट लगने से उसका शिलत उतर जाता है, तो फिर जल्दी डैमेज होने का ख़तरा होता है, तो हाथ से पटाई करने में इसमें आलू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें शिलत का भी बचाव होता है, आलू को कोई चोट भी नहीं लगता है, और फिर पूरा धूप भी लगता है, इसके पीछे जो मिट्टी रह गया है वो उतर जाता है, मिट्टी उतरने के बाद फिर आलू का कलर भी बाहर आ जाता है, और जब मशीन से पटाई करते हैं तो वो सीधा डिगर उसको बोलते हैं, वो मशीन चला देता है, तो 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा धूप लगाने के बाद वो फिर लेबर बोरी में भरना शुरू कर देता है, तो उसमें नुकसान व्यापारी का है, उससे जो आलू का कलर है मशीन से तो उसका फिर कलर भी ब्लैक कलर का थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर होना शुरू हो जाता है, तो उसमें फिर व्यापारी का ज़्यादा लॉस है कि अगर उसको टाइम पे गाड़ी नहीं पहुंचा है, तो जैसे अभी गुवाहाटी में लोड करना है तो 6 दिन में गाड़ी पहुंचेगा, वहाँ पहुँचते पहुँचते आलू का कलर भी पूरा ख़राब हो सकता है, और उसके बाद डैमेज होने का भी ज़्यादा चांस है। ये जो हाथ का पटाई है इसमें एक तो कलर भी ख़राब नहीं होगा, और दूसरा कि अगर ये लॉन्ग पर जाना है, अगर गुवाहाटी लॉन्ग रोड पे जाना है, जैसे गुवाहाटी हो तो या कोलकाता हो या कहीं देहरादून हो कहीं भी है, तो इसका डैमेज होने का कम चांस है, तो इसका कलर जो है वो भी ऐसा बना रहेगा। तो आपने सफ़ेद वाले आलू लगाए हुए हैं या लाल वाले? मैडम आलू के कलर हैं, ये पुखराज आलू है, ठीक है, आलू तो सफ़ेद, ज्योति भी सफ़ेद ही होता है, पुखराज भी सफ़ेद होता है, तो 2708 है वो भी सफ़ेद होता है, ये तो क्वालिटी ये होता है कि आलू का ये कौन सा वैरायटी कौन सा है। सर जब ये लगाया जाता है, इसका जो बीज लगाया जाता है, उसकी पहचान कैसे की जाती है? मैडम इसकी जो पहचान है वो आँख से होती है और आलू के शेप से होती है। इसकी जो पहचान की जाती है इसके बीज की, जब आप लगाते हो तो उसकी पहचान कैसे की जाती है कि ये कौन सी वैरायटी का है? मैंने ये जो किसान है ये फार्म से, जो गवर्नमेंट का फार्म है या संगा हो गया या कोई और फार्म है जो जिनका अपना फार्म बना है, ज़्यादातर 99% तो गवर्नमेंट से लेके आते हैं, तो एक खेत में जो अगर 12 नंबर जो साइज़ होता है तो उसका तो 30 से 35 पैकेट का लागत लगता है बिजाई करने के लिए, तो अगर छोटा साइज़ हो गया जैसे 4, 6, 8 या गोली से, जिसको हम गोली बोलते हैं, जो बंगाल में भी लोडिंग होता है, ठीक है, वो 10 से 15 पैकेट एक खेत में इसका बिजाई होता है। लेबर आलू खेत से बाहर निकालता है, और ये है कच्चा आलू, इसका जो अगर हम बोले कि एज लिमिट वो है 15 दिन का, 15 दिन में ये डैमेज हो जाएगा, तो उसका वजह है कि इसका जो शिलत है वो भी कच्चा है, ठीक है, तो अगर इसको जो अपना स्टोर में रखना है तो फिर किसान क्या करेगा, जो ये बेल है इसको कटिंग कर देगा, कटिंग जब कर देगा तो फिर ये अंदर अपने आप पकना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो स्टोर करेगा, वो किसान का इच्छा है कि अभी स्टोर करना है या इसको अभी पटाई करना है, तो ये किसान अभी पटाई कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये अभी कच्चा आलू है, तो जो इसका एज लिमिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 15 दिन का है,
इसके बाद ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये कच्चा शिलत है इसका, ठीक है। इसका शिलत पक जाएगा, अभी ये 60 दिन का हुआ है, जब कम से कम अब ये सॉरी अभी ये 70 से प्लस दिन का है, 72 डेज का है, और लास्ट 75 डेज के बाद इसका पटाई शुरू हो जाता है। अगर 75 डेज के बाद पटाई शुरू ना करना हो किसान ने, तो वो फिर इसका ये बेल कटिंग कर देता है, तब फिर वो इसको डेयरी में लगाता है स्टोर करने के लिए। हमने अपने दर्शकों को दिखाते जरूर है, तो हम अंदर खेतों में जाके आलू जो है वो वैरायटी जो है हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, तो आप दिखा सकते हैं? हाँ जी मैडम, जाके आप देखो। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं जो आलू है क्या क्या वैरायटी होती है, सर बताएंगे हमें। पटाई करने के बाद ऐसे जो साइज है तो ये साइज निकालेंगे, ये बोरी में पैकिंग होगा, ठीक है। और ये जो छोटा साइज है ये इसका अलग में अलग बोरी में पैकिंग होगा, और वो बोरी में ये इसका ये निशानी के ऊपर ये लगा देंगे, ठीक है। और ये जो हरा आलू है ये वेस्टेज है, ये बाहर निकल जाएगा, ये हरा हो या इसमें कट बना हो तो ये वेस्टेज निकल जाएगा बाहर, अगर इसमें कट बना हो, कट समझ दो ना, अगर इसको कटा हो, ठीक है, ये वेस्टेज है, तो वो किसान करके इसको फिर से बिजाई कर लेगा, ठीक है। ये इसका अलग से पैकिंग होगा, आज की डेट में मार्केट में इसका जैसे 500 रुपये रेट है बोरी का, ठीक है, तो ये 200 रुपये का सेल होगा, ये 200 रुपये में सेल होगा, 50 किलो 200 रुपये 50 किलो, ये 525 रुपये 50 केजी आज की डेट का जो रेट है। मार्केट में डेली अलग अलग रेट होता है, कभी मार्केट 400 रुपये हो जाता है, कभी 500 हो जाता है, कभी 600 भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि आज मार्केट में आलू कितना आया है, डिमांड के हिसाब से रेट होता है, जितना ज़्यादा डिमांड उतना रेट बढ़ेगा, डिमांड कम है तो रेट भी फिर कम होगा, ठीक है। ये साइज़ पैकिंग में जाएगा, ये हमारा जो साइज़ है ये भी जाएगा देहरादून में, देहरादून में भी जाएगा, और अपना जगराव में जाएगा, चंडीगढ़ में लोकल मार्केट में जाएगा। सर ये बताइए कि अगर हमारे किसी भी किसान भाई ने शुरुआत करनी है आलू की खेती की, तो उसको कितनी ज़मीन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना उसको फाइनेंस चाहिए? मैडम अगर ये जो काम किसानी का काम है ये बहुत मुश्किल काम है, ये तो एक आर्मी का हो गया या किसानी का हो गया या हमारा हो गया, ये तीनों एक समान है, ठीक है। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए, और कम से कम दो खेत तो उसको उसके पास खुद का होना चाहिए। चलो खुद का किसी के पास नहीं होता तो वो अपने पैसे का इस्तेमाल करता है, वो ठेके पे ले लेता है, रेंट पे ले लेता है, अगर खुद का एक भी खेत नहीं है तो उसको सालाना बना एक वन ईयर का रेंट पे वो जितना चाहे वो उतना खेत ले सकता है, एक ले ले, दो खेत ले, चार पांच जितना भी खेत वो ले सकता है। उसके बाद उसको ट्रैक्टर भी चाहिए, ट्रैक्टर के बाद उसको मशीनरी चाहिए, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने कितना खेती रेंट पे लिया है और ठेके पे लिया है, तो उस हिसाब से उसको उतना ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है। तो सर इसकी जो खाद होती है वो कुछ अलग होती है या इसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए? अलग अलग कंपनी का खाद होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, तो अलग अलग कंपनी का भी होता है, और भी कुछ ज़्यादातर जो किसान हैं कि आलू का साइज़ बड़ा करने के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ करने के लिए, जैसे एक केजी हो गया, दो केजी हो गया, दो केजी तो नहीं होता बल्कि एक केजी हो या आधा केजी हो, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कि डफल आलू, ठीक है, वो करने के लिए सभी तो सभी के बारे में नहीं बोल सकता मैं, कुछ सौ में हज़ार में से कोई एक होगा जो केमिकल जैसे इंजेक्शन का या कोई गलत अपना खाद का या दवाई का इस्तेमाल करता है, तो जनता को ये बोलूँगा कि जो डफल साइज़ है मार्केट में उसको ख़रीद ना करे, जो अच्छा थोड़ा मीडियम साइज़ है वही खाने के लिए वो बेस्ट है। हमें उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें और देखते रहें मेरा फार्म हाउस। धन्यवाद।